गिरिडीह जिला के नगर निगम सभा कक्ष में शनिवार को वर्ष 2022-23 के बजट समेत अन्य मुद्दों को लेकर बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सबसे पहले मुख्य रूप से नए सत्र में काम को जो लेकर के 500 से 59 करोड़ रुपए की बजट सर्वसम्मति से हुआ। बैठक के दौरान अन्य कामों का टेंडर कर उसे पूरा करने की बात कही गई। इस बाबत निगम के उप महापौर प्रकाश राम ने बताया कि बजट समेत कई महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान नगर निगम में योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु स्थायी रूप से एक कार्यपालक अभियंता, 2 सहायक अभियंता और 6 कनीय अभियंता की नियुक्ति हेतु नगर विकास विभाग को पत्र निर्गत करने पर भी विचार विमर्श किया गया। मौके पर सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ सहित अन्य कर्मी बैठक में मौजूद रहे। बैठक थी, उसमें मुख्य रूप से 2022-23 का बजट पास करना था और 2022-23 के लिए 569 करोड़ रुपए का बजट सदन में पारित किया गया है और सभी लोगों ने इसकी स्वीकृति दी। और दूसरा जो था वो था कि विभिन्न प्रकार का जो हमारा सैरात है, मार्च में बहुत सारे सैरात का और टाइम ख़त्म हो रहा है, तो उसका फिर हम उसका टेंडर करने का प्रक्रिया शुरू करने की बात आई तो उसको सर्वसम्मति से और मंजूरी दिया गया कि इसकी प्रक्रिया जल्दी शुरू करें। तीसरा चीज़ है कि जो शेल्टर हाउस हमारा अभी जो बस स्टैंड के पास है उसमें केवल पुरुषों के रहने के लिए व्यवस्था है, लेकिन एक बड़ा शेल्टर हाउस बनाने की बात हुई है और उसकी स्वीकृति मिल गई है। वो धरियाडीह में या आसपास में जमीन चिन्हित किया गया है जहाँ शेल्टर हाउस बनेगा, जिसमें पुरुष और महिलाओं के रहने के लिए अलग अलग प्रावधान से व्यवस्था होगी और सभी संसाधन वहाँ से युक्त होगा। और नगर निगम में एक बोलेरो गाड़ी जो खरीदने की बात हुई है जो नगर निगम के काम के लिए होगा, और अभी जो पानी की समस्या है उसको देखते हुए कमलजोर जो झगरी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो पहले पीएचडी के ग्रामीण के तहत था, अभी हैंडओवर किया गया है नगर निगम को, उसको संचालन के लिए और टेंडर प्रक्रिया करने की बात कही गई है, उसका भी स्वीकृति मिल गया है। तथा जो हमारे शहर में जो डेढ़ चापाकल हैं उसका टेंडर कैंसिल हो चुका है जो पहले था, और इसका पुनः जो है चापाकल का मरम्मती के लिए और टेंडर करने की बात हुई है कि जल्दी से टेंडर करें ताकि चापाकल का मरम्मती का काम चलता रहे। और नगर निगम में हमारा जो तकनीकी सेल है उसमें हम जितने भी हमारे कनीय अभियंता हैं या सहायक अभियंता हैं या कार्यपालक अभियंता हैं सभी प्रतिनियुक्ति पर हैं, जो केवल अपने विभाग का काम को प्राथमिकता देते हैं, नगर निगम के काम को प्राथमिकता कम देते हैं, और उसके चलते हमारा और कार्य बाधित होता है योजना बनाने में, उसका मॉनिटरिंग करने के लिए या एस्टिमेट बनाने में। तो उसके लिए हमने और बोर्ड से आग्रह किया था कि एक कार्यपालक अभियंता, 2 सहायक अभियंता और 6 कनीय अभियंता की अस्थायी रूप योजना का परीक्षण और कार्यान्वयन ठीक ठाक से हो सके। इसके अलावा जो अभी चार महीने का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम कर रहे मजदूरों का जो वेतनमान बाकी था उसको भी भुगतान करने के लिए कहा गया है, लोगों से मांगा गया है कि आप जितना जल्दी आप अपना अकाउंट नंबर उपलब्ध कराएंगे आपका भुगतान कर दिया जाएगा। और इसके अलावा हमारे कुछ कर्मचारी हैं जिसका पीएफ का पैसा अभी तक नहीं गया है, उसकी भी बात हुई, हमने कहा निर्देश दिया है कि त्वरित गति से और जो बकाया की अभी अगला बैठक अभी सभी सम्मानित वार्ड पार्षदगण हम लोग बैठेंगे और जो जो योजना को प्राथमिकता मिलनी चाहिए उसको हम लोग लिस्टिंग करते हुए और एस्टिमेट बनाकर विभाग को भेजेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारा हो सके। यह बहुत ही अच्छे ढंग से बैठक संपन्न हुई, धन्यवाद।